क्या आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चन आंसर बनाना चाहते हैं कि ऊपर ये क्वेश्चन आ रहता है और नीचे ही कुछ ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और कुछ यहाँ पे चलेगा यहाँ पे, फिर उसके बाद आंसर आएगा तो कुछ इस तरह से होगा। तो आप लोग भी इस तरह के अगर करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिए कि किस तरह से हम बनाते हैं और हर प्रोसेस आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए हम काइन मास्टर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे काइन मास्टर खोल लेते हैं। काइन मास्टर खोलने के बाद देखिए, सबसे पहले आपको इस तरह के फोल्डर में जाने के बाद आपको यहाँ पे प्लस बटन टिपना है। यहाँ पे ना यहाँ ये जो प्लस बटन है आपको इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, एक 16:9, एक 9:16, एक 1:1 है ना। तो इसको आपको 16:1 रेशियो आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब चलिए इसको हम बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखिए ये मीडिया में ऊपर लिखा हुआ है मीडिया, तो सबसे पहले आप मीडिया में क्लिक कर दीजिएगा। मीडिया में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड डाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो जो भी आपके पास बैकग्राउंड है यहाँ पे डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड, तो जो भी मेरे पास बैकग्राउंड है वो मैं डाल देता हूँ और आपके पास जो बैकग्राउंड रहेगा वो आप डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये बैकग्राउंड है, मैं ये डाल दिया। आप इसको इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। फिर उसके बाद आपको लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख दीजिए। जैसे मैं मेरा क्वेश्चन है इसको हिंदी में लिखते हैं। जैसे हम क्वेश्चन को हम ना लिख के आपको फिर बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम कुछ इस तरह से हम क्वेश्चन लिख दिया, हम इसको कर देते हैं क्लिक। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस तरह से डाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डालने के बाद आपको क्या कर देना है, इसमें ऑप्शन लिख देना है। और आपको चलिए हम बताते हैं कि ऑप्शन कैसे लिखा जाता है। फिर आपको लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर ना हम ऑप्शन लिख देते हैं फटाफट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ऑप्शन में लिख दिया। ऑप्शन लिखने के बाद यहाँ पे कर देते हैं क्लिक। और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया। ऑप्शन को यहाँ पे हम सेट कर देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं, आप अपनी मर्जी से सजा देगा। और इसमें चाहे आप जितना भी क्वेश्चन में डाल सकते हैं, 10, 50, 100 कितना भी आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पर करने के बाद ये देखिए, आपको जो ये ऑप्शन वाला है आप इसको पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा इधर स्क्रॉल कर दीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद यानी यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन आवे, और क्वेश्चन आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। आपको कुछ इस तरह से पढ़ लेना है। आपको इसको क्वेश्चन को चलाते हुए यहाँ पे ये देखिए वॉइस का ओवर डाला हुआ है ना। यहाँ पे क्या है, वॉइस है। मतलब आप यहाँ पर से रिकॉर्ड कर लीजिएगा। रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि चलिए देखिए हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं। यहाँ पर जैसे हम रिकॉर्ड कर देते हैं, इस पर आपको क्लिक कर से आपको पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद देखिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ये काइन मास्टर शो हो गया है ना। तो यहाँ पे आप जो पढ़िएगा इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन आने के बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन में बोलना है 1, 2, 3, 4 कुछ इस तरह से आपको बोल देना है, जहाँ पे वॉइस पे क्लिक करके जहाँ पे मैं बताया था। आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको एनिमेशन में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करके देखिए यहाँ पे इन एनिमेशन, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से इन एनिमेशन लिख के आ रहा है। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद देखिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे लेटर बाई लेटर लिख के आ रहा है। यहाँ पे लेटर बाई लेटर लिख के एनिमेशन डाल देना है। जैसे आप एनिमेशन लिखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको आएगा, और इसको आपको स्क्रॉल करना है। और इसको मैं स्पीड आपको अगर मान लीजिए कम बेसी करना है, तो यहाँ पर आप स्पीड कम बेसी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए कुछ हम बढ़ा के देखते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से रिकॉर्ड हो। अब रिकॉर्ड होने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमको टाइमर सेट करना है। तो टाइमर के लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे कि किस तरह से टाइमर सेट होता है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे टाइमर को सेट कर देना है, और टाइमर को सेट करने के बाद ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा दूर बढ़ा देना है, जितना आपको टाइमर है, ठीक है। यहाँ पर बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पर टाइमर को सेट कर देना है। चलिए यहाँ पर हमको टाइमर सेट करना है, तो टाइमर को सेट करने के लिए यहाँ फिर जाएंगे लेयर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे देखिए लेयर है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। लेयर पे ऑप्शन के बाद मीडिया, जो आपको फोल्डर यहाँ पे डाउनलोड किए थे है ना, मैं यहाँ पे टाइमर से डाउनलोड किए थे, तो यहाँ मेरा टाइमर है। तो जितना आप
टाइमर सेट करना चाहते हैं वहाँ पर आप टाइमर सेट कीजिएगा। आप देखिए मेरा ग्रीन स्क्रीन में है, तो इसको हम क्रोमा की पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए क्रोमा की लिख के आ रहा है, आप इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको इनेबल कर दीजिए, बस आपको ग्रीन स्क्रीन गायब हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे 10 तक ऑप्शन है, आप चाहे तो इसको मैं 10 तक ऑप्शन रख सकते हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए हम इसको मैं ऑप्शन कम ही रखते हैं, 3 तक ही ऑप्शन रखते हैं, है ना। आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बोलना है, ऑप्शन को बोलना है, यहाँ पर से आपको टाइमर चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हम लगाए थे इसमें ऑप्शन में, इसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको सेकंड ख़त्म होता है, ठीक है ना, जहाँ पे आपको सेकंड ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे देखिए मेरा सेकंड ख़त्म हो रहा है, 1 आया, 3, 2, 1, यहाँ पे आपको आंसर देना है। तो आंसर कैसे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर फिलियर के बटन में जाना है, मीडिया में जाइएगा, यहाँ पर से थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइएगा, और बैकग्राउंड के बाद यहाँ पर जो भी आप कलर लेना चाहते हैं, जिसको हाईलाइट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप ले लीजिएगा, और जो भी आंसर है वहाँ पे आप जाके छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है, या फिर बी पूरा लेना चाहते हो तो बी में ले लीजिए। फिर उसके बाद आपको इसको बंद कर देना है, और बंद करने के बाद इसको पे आपको क्लिक करना है, मतलब लाल बटन जो आप लिए हैं इसको मैं आप नीचे जाके अल्फ़ा पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा लिखा हुआ है, आपको अल्फ़ा पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अल्फ़ा पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये जो 100 है ना, इसको नीचे स्क्रोल करके यहाँ पर ऑप्शन में कर देना है। अब इसके बाद हमको ऑप्शन में एनिमेशन में जाना है, यहाँ पे एनिमेशन में जाने के बाद ओवरऑल एनिमेशन में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो भी आपको लेना है आपको वो ले लेना है, क्लॉकवाइज अगर इस तरह से लेना है, कुछ इस तरह से, मतलब स्क्वेयरिंग कुछ इस तरह से, अगर आपको ये अच्छा है तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फ्लोटिंग में देखिए कुछ इस तरह से ऑप्शन बताएगा, कुछ इस तरह से ऑप्शन बताएगा, ये मेरा क्या है फाउंटेन है, तो आपको यहाँ पर से स्क्वेयरिंग ले लेना है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये है मेरा ऑप्शन। तो आपको इसको चाहें आप इसको अच्छा से एडिट कर लीजिएगा, मतलब जहाँ तक है। चलिए अब यहाँ पर से हम क्लिक कर दिए, यहाँ तक मेरा रहेगा, यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं, ठीक है। अगर आप इसको चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं आंसर को, और इसको और भी आंसर को बढ़ा सकते हैं। आंसर को बढ़ाने के बाद जितना आपको मर्जी है उतना आपको सेकंड में लगा दीजिए। यहाँ पर ट्रिम कर दिए, अब इसको मैं देखिए मेरा वॉ का यहाँ पे बोलता है, उस टाइम मैं बोला था वॉ, जिसको हम कैसे ऐड करते हैं वो देख लीजिए। इसको ऐड करने के लिए हम भी इसको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे उसका लिंक, तो आपको सिंपल से यहाँ पे ऑडियो बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं वॉ का इफेक्ट डाला था, तो वॉ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा कि किस तरह से आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर इसको आप यूज कर लीजिएगा। तो मेरा यहाँ पर है वॉ का, यहाँ पर मेरा इफेक्ट है, इसको हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्लिक करने के बाद हमको यहाँ तक ही रखना है, तो कुछ हमको इस तरह से क्लिक करना है, और इसको हम ट्रिम टू राइट साइड हमको क्लिक कर देना है। मेरा यहाँ पे बन गया, ठीक है। चलिए अब सुनाते हैं हम आपको कि मेरा वीडियो किस तरह से बन, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो देखिए दोस्तों किस तरह मेरा वीडियो बन के रेडी हो गया है। यहाँ पे टाइमर अगर पीछे आ रहा है तो अब इसको आगे भी कर सकते हैं, ठीक ना, मतलब इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा क्वेश्चन लिखना है तो दूसरा क्वेश्चन में आप इसी तरह से लिख लीजिएगा। आपको लेयर में बटन में जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे जो भी ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर देना है, है ना। जो भी यहाँ पे ये ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और मतलब क्वेश्चन है आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है, मतलब ऑप्शन को लिख देना है। यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन रहेगा, मैं कुछ इस तरह से ऑप्शन लिख देता हूँ, पहला बायस, मतलब तो ABCD में आप लिख सकते हैं। तो आपको जो भी ऑप्शन रहा यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो तीसरा ऑप्शन है मेरा 14, चौथा ऑप्शन है मेरा 15, मतलब तो कुछ इस तरह से आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं जैसे भी आप पहले वाला किए थे। आपको देखिए दूसरा इतना नहीं करना है, आपको क्या कर देना है, जो भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा। आगे बढ़ाने के बाद आपको क्या कर देना है, जो भी इसमें इफेक्ट लगाए थे आपको, मतलब ये टाइमिंग वाला लेना है, तो टाइमिंग पे आपको सिंपल सा यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आएगा। अब इसको यहाँ पर देखिएगा कुछ इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पर आपको देखिए
कुछ इस तरह से थ्री डॉट बना हुआ है, तो आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर में डुप्लीकेट है ना, तो आपको डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। जैसे डुप्लीकेट कीजिएगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो जाएगा, आपको क्या कर देना है, इसको सिंपल सा इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको टाइमिंग लगाना है, वहाँ पे आप लगा दीजिए। तो इधर भी आपको टाइमिंग सेट हो जाएगा, कोई भी एडिट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसको भी इसको ऐसे ही इसको क्या कर दीजिए, डुप्लीकेट कर दीजिए। डुप्लीकेट करने के बाद इसको भी स्क्रॉल करके जहाँ पे आपको टाइमिंग ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आप लगा दीजिएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको टाइमिंग ख़त्म होगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा। आप इसको छोटा बड़ा अगर करना चाहते हैं तो इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने आवश्यकता के अनुसार। चलिए अब इसको भी जो वाव इफेक्ट है इसको भी आपको क्लिक करके डुप्लीकेट करके आपको इसको भी स्क्रॉल करके आपको जहाँ पे क्वेश्चन है वहाँ पे आपको लगा देना है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये भी आपको सेम इसी टाइप के रहेगा। चलिए इसको भी सुना के दिखा देते हैं कि किस टाइप का रहेगा, ठीक है ना दोस्तों, जो भी आपको रहे। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से बन गया। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कम लग रहा था तो इसको हम और बढ़ा देंगे। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो, अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी टाइप के वीडियो को देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल दीपू बिंदास को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल दीपू बिंदास पे। जय हिंद, जय भारत।